Assalamualaikum class 6, I hope everybody is fine. हम लोगों ने chapter number 8 आपका start किया था, energy and its forms. इसमें थोड़ा सा recap हम जल्दी से revise करेंगे कि हमने energy के definition को देखा था, फिर हमने forms of energy देखी थी दो major, एक उसमें potential थी आपकी, एक kinetic थी, और इसमें फिर हमने आगे से potential energy की definition देखी थी, उसको detail में study किया था, फिर potential energy के अंदर जितनी भी forms हैं energy की उन्हें हमने देखा था, such as mechanical energy, gravitational energy, chemical energy, nuclear energy, फिर हमने kinetic energy जो है उसकी definition देखी थी. Difference मैंने आपको बताया था potential energy में and kinetic energy में. आज हम लोग page number 80 पे move करेंगे और आपकी जो heading थी kinetic energy की, उसी के अंदर हमने आज पढ़ना है कि kinetic energy की क्या-क्या forms है, what are the forms of kinetic energy. अच्छा, number one पे आप देखें तो heat energy जो है वो kinetic energy के एक form है. आपने obviously ये बात आपको पहले पता होगी या आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है. तो हमने काइनेटिक एनर्जी में एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी चीज जो मोशन में है, जो मूव कर रही है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल होगी. अब हीट एनर्जी किसने कहा कि हीट एनर्जी भी एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है. जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उस सब्सटेंस के अंदर. अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, पानी के अंदर मॉलिक्यूल होंगे, वो सारी बातें उबलता है पानी, पानी मूव करता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है, हीट जो है वो एक जगह से पानी में दूसरी जगह ट्रांसफर करना शुरू हो जाती है, तो कोलिजन होती है आपस में, बंपिंग होती है पार्टिकल्स की, तो वो एक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. मतलब आप हीट एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है. किस तरह काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हीट प्रोवाइड करने से किसी भी सब्सटेंस को उस सब्सटेंस के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है. हम अपना खाना जो है वो बनाते हैं, अगर आप पानी उबालें तो वो पानी क्या होता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, धुएं में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है. ये एक आपकी एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी की, हीट एनर्जी की. जो मेजर सोर्स ऑफ आपकी हीट है वो क्या है, सन. मेजर जो हीट की सोर्स है वो कहाँ से आती है आपको, सन से. आग वगैरह तो हम लगा रहे हैं ना, हम चूल्हा जलाते हैं या हम लकड़ियां जलाते हैं, लेकिन मेजर जो हीट की सोर्स है वो आपकी सन है. सेकेंड आपकी एग्जांपल है जी लाइट एनर्जी की. अब जैसे हमने बात की कि जो सन है वो मेजर सोर्स ऑफ हीट है, इसी तरह जो लाइट, जो सन है वो मेजर सोर्स ऑफ लाइट भी है. आपकी जो सुबह होती है, दोपहर होती है, रोशनी होती है, वो किसकी वजह से है, बेसिकली सन की वजह से ना, वो मेजर सोर्स ऑफ लाइट है. आपके प्लांट्स को लाइट चाहिए सन की, क्यों, क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है, उन्हें फूड चाहिए. आपके जो कैलकुलेटर्स होते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कुछ कैलकुलेटर्स जो है वो इस तरह के बने होते हैं, यहाँ पे उनके एक सोलर पैनल सा ब्लैक सा लगा होता है शीट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका बटन्स होते हैं सारे. तो ये क्या है, बेसिकली इनमें कोई बैटरी नहीं होती, कोई सेल नहीं होते, वरना यूजुअली कैलकुलेटर्स के अंदर क्या है, सेल लगे होते हैं. इन ये अपनी जो एनर्जी है, जो कैलकुलेटर है, ये बेसिकली लाइट को लेते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं, लाइट की जो एनर्जी है उसको लेकर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर काम करते हैं, ठीक है. अब लाइट जो है, कैमरे को अगर आप देखें तो आप रात को अगर आप अपने मोबाइल से पिक्चर क्लिक करें, आप देखें नहीं आती पिक्चर, सही सब ब्लैक आता है, कुछ नजर ही नहीं आता. इसी तरह लाइट जो है वो कैमरे की लेंस से पास करती है और एक इमेज क्रिएट करती है, एक तस्वीर बनाती है, ठीक हो गया. तो ये भी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फिर है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर आप बात करते हैं तो आपने देखा आपके घर में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. आप कहां से आती है, तारों से आती है, वायर्स होती हैं. अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूव में सूरत में मूव करती है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सूरत में. नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करती है. तो ये भी जाहिर बात है मूवमेंट हो रही है कि तारों के अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं और फिर आपके घर बिजली आ रही है.
अब आपको पता है आपके घर में कितनी चीजें हैं जो बिजली बिल जाती है, आपकी लाइट है, आपका फैन है, आपकी फ्रिज है, आपका माइक्रोवेव है, आपकी बहुत सी चीजें हैं, मशीन्स हैं कितनी ज्यादा, बीपी की, और कुछ लोगों के घर में ट्रेडमिल्स होती हैं वो उस पर रन करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती है, आपकी आपकी ग्राइंडर मशीन है, जूसर मशीन है, तो आप तो आजकल का जो मॉडर्न जमाना है हर चीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है। ठीक है, अब हम लास्ट वाले पे आ गए, साउंड एनर्जी। साउंड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम क्यों इसको कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल, आप तो कहेंगे यार आवाज कहाँ से एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी कैसे, हमने तो काइनेटिक एनर्जी कहा है जो चीज मूवमेंट कर रही होती है, जो मोशन में होती है वो एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी की। तो साउंड जो है वो बेसिकली वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी चीज जो वाइब्रेट करती है, ठीक है, कोई भी चीज आपकी जो वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। आप एक आपके घर में डेक वगैरह तो अक्सर घरों में आजकल होते हैं, डेक के ऊपर जहां से आवाज आती है वहां पे पेपर रखें और डेक चलाएं तो आपके पेपर मूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि साउंड एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा है कि पेपर को भी मूव कर रही है वो। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आपकी लाइन भी लिखी हुई है कि साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर उन्होंने आगे हुए जो एग्जांपल मैंने दी, उन्होंने डेक की एग्जांपल दी हुई है कि पेपर मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउंड एनर्जी क्या है, वो पेपर्स को भी मूव करने पे मजबूर कर रही है। जब हम बोलते हैं ना, ठीक है, तो किसी और के कान में हमारी, हम कहते हैं यार ये बहरा नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि उसके जो ईयर ड्रम्स होते हैं, जब हम कोई आवाज देते हैं तो उसके ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम है कान का पर्दा। अक्सर आपने अपनी नानियों दादियों से, अम्मा अब्बा वगैरह से सुना होगा कि कान का पर्दा ना फट जाए, ये ना हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि कान के अंदर एक पर्दा होता है आपका। ठीक है, आपकी साउंड आई, ठीक है, आवाज दिया आपने किसी को अपने मुंह से, ठीक है, उसने आगे पर्दे को वाइब्रेट किया, वाइब्रेट किया वो साउंड आपके दिमाग में आपको समझ आने लग गई। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है ना वो है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमने सारी पोटेंशियल एनर्जी की भी टाइप्स पढ़ ली, हमने काइनेटिक एनर्जी की भी टाइप्स पढ़ ली, उनकी एग्जांपल्स भी उनके अंदर पढ़ ली। अब डेली लाइफ की एग्जांपल से आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे चेंज होती हैं। अब मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी जो है वो किसी पोजिशन की वजह से होगी, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू सम पोजिशन। मैं कहती हूँ कि टॉय पड़ा हुआ है बच्चे का जमीन के ऊपर, आपने उसे उठा के हवा में कर दिया, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गई? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, जब आपने उसको एयर में लिफ्ट किया, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गई? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने उसे फेंका, ठीक है, जब आपने उसके ऊपर से फेंका, वो मूवमेंट कर रही है तो वो किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि आपके पास वुड है, गैस है, पेट्रोल है। अब हमने पढ़ा था अपनी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल में कि जी ये टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की, वो है केमिकल एनर्जी जो फूड में, वुड में, गैस में, पेट्रोल में स्टोर होती है। ठीक है, अगर आप बर्न करते हैं इन फ्यूल को, अगर आप पेट्रोल को आग लगाएं, गैस को आग लगाएं, लकड़ी को आग लगाएं, तो ये किसमें चेंज हो जाएगी? जाहिर बात है जब आप आग लगाते हैं तो एक हीट एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है, और एक क्या है, लाइट भी तो मिलती है। आप मोमबत्ती जलाते हैं जब, ठीक है, तो आपको हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। इसी तरह जब आप वुड जलाएंगे, अगर रात को आप आग जला लें तो लाइट भी तो निकलेगी ना, उससे हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी। आप पेट्रोल जला लें, मट्टी का तेल, ठीक है, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। आप अपने घर के चूल्हे पे आग लगाएं, गैस है, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। ठीक है, तो एनर्जी की फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है, एक स्टोर्ड एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है वो। थर्ड एग्जांपल है जी आपकी कि आप अपने घर का बल्ब चलाएं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? लाइट में, क्योंकि जब आपने बल्ब चलाया तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हुआ है ना चेंज। पहले उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जब आपने चलाया वो किसमें चेंज हो गई? लाइट एनर्जी के अंदर। फोर्थ आपके पास एग्जाम्पल है जी कि खाना वगैरह है, आप जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है कौन सी? केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब खाना खाने के बाद आपको केमिकल एनर्जी मिल गई, आपने रनिंग करना शुरू कर दी, तो जब आप रनिंग कर रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आ रही है, ठीक है। फिफ्थ वाली आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे ढूंढ के बताना है कि आपने डेक चलाया है तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। फिर नीचे आपका एक उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने आपको बताया है कि किचन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हीट में चेंज हो रही है, बस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, एक डाइवर है जो स्विमिंग करता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, पेज नंबर 81, ठीक है। इसमें भी वही है कि आपको काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक पूरा नोट आ सकता है, उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है, एग्जाम्पल्स देनी है, फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर वो आप एक एक हेडिंग करके लिखना है। कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आ सकते हैं आपको, और इसमें से जो है वो एमसीक्यू जरूर आएंगे कि एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन एक छोटा सा सिचुएशन दी और वो आपको कहें बताएं जी कि कौन सी इंटर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी के अंदर।